हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट पीक अन्नपूर्णा विदाउट ऑक्सीजन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो साजिद अली सतपारा है। साजिद अली सतपारा जो कि अली सतपारा के बेटे हैं, और ये अप्रैल 2023 में फर्स्ट पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने 10th हाईएस्ट पीक जिसका नाम अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा को इन्होंने सर कर लिया है विदाउट ऑक्सीजन। सो साजिद अली सतपारा इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम अन्नपूर्णा की बात करें तो ये एक माउंटेन है और ये नेपाल में लोकेटेड है। दुनिया का 10वां जो है सबसे बड़ा ये जो है पहाड़ है, हाईएस्ट माउंटेन है, और ये इसकी जो हाइट है वो 8091 मीटर है, और कहीं जगहों पर 8090 मीटर भी लिखा हुआ है, कहीं जगहों पर 8091 मीटर भी लिखा हुआ है। ऑन विच डेट रिलीजियस मिनिस्टर मुफ्ती अब्दुल शकूर डाइड इन रोड एक्सीडेंट। सो इसका करेक्ट आंसर 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल 2023 को मजहबी अमूर के जो वज़ीर थे मुफ्ती अब्दुल शकूर, ये इंतकाल कर गए। 19 अप्रैल को ये बने थे, 2022 में बने थे, रिलीजियस मिनिस्टर बने थे, और 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में ये इंतकाल कर गए रोड हादसे में, और ये JUIF से बिलोंग करते थे। वट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 62 है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंक 62 है। इसमें यूएसए ने इसको टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन इसमें यूएसए की है, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर यूके, और पाकिस्तान 62 पर है। What is the rank of Pakistan in World's Most Criminal Countries Index 2023? So इसके करेक्ट आंसर 86 है। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ में 2023 के इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक 86 है, और इसमें जो टॉपर है यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम्स होते हैं वो वेनेजुएला में होते हैं, जो कि एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, क्राकस इसका कैपिटल है, और सेकंड जो है दूसरे नंबर पर पपुआ न्यू गिनी में होते हैं क्राइम्स, और पाकिस्तान इसमें 86 पोजीशन पर है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। पाकिस्तानी वेटरन एक्टर खालिद सईद भट्ट किस तारीख को इंतकाल कर गए? सो ये 13 अप्रैल 2023 को इंतकाल कर गए, और ये पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर थे, डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, और ये उस्मान खालिद भट्ट जो कि अहद वफा में एक्टर थे, इनके ये वालिद हुआ करते थे खालिद सईद भट्ट, जो कि 13 अप्रैल को इंतकाल कर गए। नेक्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट एंटी राइट वुमेन पुलिस यूनिट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच प्रोविंस? इसका करेक्ट आंसर बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान में पाकिस्तान का पहला एंटी राइट वुमेन पुलिस यूनिट का आगाज़ किया गया है दारुल हुकूमत क्वेटा में अप्रैल में ही। सो इसका करेक्ट आंसर बलोचिस्तान है। एज पर विच इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान इन्फ्लेशन टू राइज बाई 29.5% इन फिस्कल ईयर 2023? फिस्कल ईयर 2023 में पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रेट है यानी कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 29.5% बढ़ जाएगी, और ये पेशनगोई वर्ल्ड बैंक ने किया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। विच कंट्री हैज़ डिस्कवर्ड द यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 241? ये जो है करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सो इसका करेक्ट आंसर ज़रूर दीजिएगा। हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी विमेन टू सबमिट वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट माउंटेन? यानी कि अन्नपूर्णा की ही बात हो रही है। सो अन्नपूर्णा अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो मेल कैटेगरी में साजिद अली सतपारा पहले पाकिस्तानी हैं, फीमेल कैटेगरी में नाइला कियानी फर्स्ट जो है पाकिस्तानी फीमेल हैं जिन्होंने इसको सर कर लिया है अप्रैल 2023 में ही। सो अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है। वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि आलमी सकाफती वर्षा का जो दिन है किस तारीख को मनाया जाता है? सो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है। 2023 का इसका थीम है हेरिटेज चेंज, ये इसके 2023 का थीम है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाकिस्तान में टोटल कितने हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फुमियो किशिदा
सर्वाइव्ड अ स्मोक बम रिसेंटली, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर जापान है। फुमियो कुशीदा जो कि जापान के वज़ीर आज़म हैं, इन पर रिसेंटली स्मोक बम जो है फेंका गया है, लेकिन ये उससे बच गए हैं। अप्रैल में ही ये सानिया पेश आया। सो ये जापान के वज़ीर आज़म हैं। और नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर, जिसे जूस प्रोब भी कहते हैं। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको आगाज़ किया है अप्रैल में, और ये जो है ये जुपिटर के लिए है, और ये जुपिटर में दाखिल होगा यानी कि एंटर करेगा जुलाई 2031 में। सो ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसे ESA भी कहते हैं, उन्होंने इसका आगाज़ किया है। व्हाट एक्चुअली इज़ जुपिटर? जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये जो है लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारी सोलर सिस्टम में, जुपिटर। और जुपिटर जो है हर 10 घंटे में एक मरतबा रोटेट करता है। इसमें करीब 79 सेटेलाइट्स हैं, और ये पांचवा प्लेनेट है, और ये ज़मीन से भी बड़ा प्लेनेट है। ये इसके बारे में जो है क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, आप इनको ज़रूर नोट करें। इस YouTube चैनल पर हफ्तावार और माहाना पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।